हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ट्विन फ्लेम जर्नी का स्टार्ट होता है आपको जहाँ पे सोल शॉक मिलता है, या फिर आपकी जो कई बार जो है स्पिरिचुअल जर्नी भी यहीं से स्टार्ट होती है लोगों की। ट्विन फ्लेम जर्नी कह लें या स्पिरिचुअल जर्नी कह लें, कुल मिलाकर आपके सोल की इवोल्यूशन की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है आपके सोल शॉक से। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम सोल शॉक के बारे में। सोल शॉक कभी आपने सोचा है कि आपको क्यों मिलता है सोल शॉक? यूं भी तो आपकी अवेकनिंग कर सकते हैं ना भगवान जी, यूं भी तो आपको अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो फिर ये सोल शॉक ज़रूरी क्यों होता है? ऐसा नहीं है, बहुत से लोग यूं ही टर्न हो जाते हैं कुछ संकेतों को समझ के, प्रकृति और जो स्पिरिचुअल जो उनको चीज़ें पहुंचाई जाती हैं कुदरत के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, उनके थ्रू बहुत से लोग उस इशारे को समझ के अपने आप टर्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को सोल शॉक मिलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अधिकतर शुरुआत जो है वो सोल शॉक से ही होती है। ठीक है, तो बट यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी मामलों में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि सोल शॉक आपको तब दिया जाता है जब आप प्रकृति या कुदरत या जिसको कह लें यूनिवर्स के इशारों को, जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं, उनको समझने से लगातार इनकार करते जाते हैं, डिनाई करते जाते हैं। ठीक है, उनको नहीं समझ पाते हैं, उनको देख के अनदेखा कर रहे होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। बट समटाइम्स क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जो कुदरत का इशारा समझ लेते हैं और वो उस राह पे चल पड़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें यूं ही कुदरत अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली तो हम बात कर रहे हैं सोल शॉक के बारे में कि सोल शॉक आपको क्यों मिलता है। ठीक है, तो टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको बोलती हूँ, आप सबको भी पता है कि सोल जो है वो, मतलब सोल जो है वो जन्मों की यात्रा करते करते, ठीक है, मतलब अब हम सबको पता है कि सोल जो है वो अपनी यात्रा के ऊपर है। ठीक है, यात्रा क्या है सोल की? अपनी ग्रोथ की, अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने की यात्रा। ठीक है, तो सोल जो है वो अपनी यात्रा पे है और इसीलिए से बार 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 जो है ना धरती पर उसका अवतार होता है। ठीक है, धरती पर वो आती है, कोई भी सोल, कोई भी सोल, हर सोल, चाहे आज जो हमें कार्मिक दिख रहे हैं, नार्सिसिस्ट दिख रहे हैं, ये सोल्स भी आगे चल के इवॉल्व होती जाएंगी जन्मों की यात्रा में। अभी ये बहुत इमैच्योर सोल्स हैं। ठीक है, अभी ये इतनी मैच्योर नहीं है, इस वजह से अभी इनका टाइम नहीं आया है। अदरवाइज जो सोल है, चाहे किसी भी तरह की सोल है, बट हर सोल जो है वो अपनी एक यात्रा के ऊपर है और ये यात्रा का मेन मकसद जो है वो है धरती पर आना, अपने लेसन्स को लर्न करना, अपनी ग्रोथ करना, अपना इवॉल्व होना। ठीक है, और वो परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाना या उनसे मिलना। ठीक है, यही सोल का मेन पर्पज़ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप यहाँ पे 3D वर्ल्ड में आते हो, अपना इनकार्नेशन आपका होता है, तो क्या होता है कि कंडीशनिंग, पालन पोषण कह लें, या फिर आप कह लें कि माहौल जो होता है, सराउंडिंग्स होती हैं, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो जो कुछ भी आप, मतलब यहाँ पे धरती पे आने की वैसे भी शर्त होती है कि आप सब कुछ भूल के आते हो, फिर कुछ में माशाल्लाह से यहाँ पे आपको आके और यहाँ पे जुड़ जाती हैं आपकी कंडीशनिंग्स, आपके सराउंडिंग्स, आपके लोग, आपकी फैमिली कंडीशंस, ये सारी चीज़ें जुड़ के, ठीक है, आपका एक माहौल जुड़ के आपको ना कुछ और ही बना देते हैं। ठीक है, आप इन्हीं चीज़ों में इंगेज होके रह जाते हो, अपनी सोल का पर्पस जो है वो पूरी तरह से भुला दिया जाता है। ठीक है, सोल का धरती पे आने का जो पर्पस है वो बिल्कुल से गायब हो जाता है। तो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, जो सोल्स इवोल्यूशन के पाथ पे आगे आ चुकी हैं, जिनको यहाँ पे अभी आए ही इनकार्नेशन ही इसलिए हुआ है कि इनको अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है एज सून एज पॉसिबल, कुछ ही जन्म इनके बाकी रहे, तो उनको ना कुदरत होती है, यूनिवर्स होते हैं, वो इशारा दे रहे होते हैं बीच बीच में। ठीक है, लेकिन हम इतने इंगेज होते हैं 3D के सारे झंझटों में ना, कि हम उनको इशारों को, अपनी सोल का जो पर्पस जो हमें दिखाया जा रहा होता है यूनिवर्स के द्वारा, कई समटाइम्स हमको चीज़ें मिल रही होती है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, बट हम ना उनको इग्नोर करते जाते हैं। ठीक है, उनको हम इग्नोर करते जाते हैं क्योंकि
खुद को ना इंसान भूल चुका होता है, अपने सोल सेल्फ को भूल चुका होता है, उसके लिए ये बॉडी सब कुछ बन जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लोग तो यहाँ पे कैच कर लिया, जिन्होंने तो इशारा कैच कर लिया यूनिवर्स का, प्रकृति का, जो भी कह लें कुदरत का, जिन्होंने तो इशारा पकड़ लिया, तो वो तो लग जाते हैं अपनी जो पर्पस है उसके तरफ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, समटाइम्स आपने देखा होगा ना, लोग जो हैं अच्छा भला अपनी लाइफ में मतलब काफ़ी कुछ मटेरियल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं, और फिर सडनली उनको पता नहीं क्या होता है और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरी तरह से टर्न हो जाते हैं। बड़ा बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे होते हैं वो भी, मतलब लोग ताज्जुब में रह जाते हैं कि इनको क्या हो गया अचानक से। तो ये यही होता है, इन लोगों को सोल शॉक के ज़रिए नहीं, इन लोगों को कुदरती ही जो है ये अपनी जो है वो स्पिरिचुअल सेल्फ को पकड़ लेते हैं और उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि इनको अपना पर्पस जो है वो बड़ी जल्दी बड़ी अर्ली लाइफ में ही समझ आ जाता है। और इस टाइप के लोग आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, जो बिना किसी सोल शॉक के सीधा जो है स्पिरिचुअलिटी की साइड मुड़ जाते हैं, या कह दें कि अपनी पर्पस की तरफ मुड़ जाते हैं, सोल पर्पस की तरफ मुड़ जाते हैं, या फिर कह दें कि अपने पाथ पे निकल पड़ते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। तो वो लोग अलग हो गए। अब वो लोग आते हैं जो लोग इस इशारे को नहीं समझते हैं, ठीक है, जो लोग इस इशारे को नहीं समझते हैं कुदरत के, और वो उन्हीं चीज़ों के अंदर फंसे रहते हैं, तो उन लोगों की बात आती है, उन्हें जो है यूनिवर्स बार बार समझा रहा है, कुदरत बार बार समझा रही है, ड्रीम्स के थ्रू समझा रहे हैं, इशारों के थ्रू समझा रहे हैं। जैसे जब आप अवेकंड नहीं भी थे, जब आपकी अवेकनिंग नहीं भी हुई थी, तब भी आपको सिक्स सेंस इतना तगड़ा था कि अब भी आप सोचते हैं तो आपको याद आता है कि हाँ मैं एकदम से लोगों को पकड़ लिया करती थी, नेगेटिविटी को कैच कर लिया करती थी, या मैं लोगों से अपने आप को बचा लिया करती थी गलत एनर्जीज से। तो आपको याद है वो सब क्या था, वो कुदरत का इशारा था कि तुम में कुछ खास है, सिक्स सेंस तुम्हारी जो जागृत है, ठीक है, लेकिन आप उस इशारे को पकड़ नहीं पा रहे थे कि आप में कुछ डिफरेंट है। हाँ अंदर से वो आपको एहसास था, लेकिन उसकी तरफ फिर उतना बंदा ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसको ये मटेरियल वर्ल्ड में जो सक्सेस है वो ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स को खुद कूदना पड़ता है। जब आप बार 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 कुदरत और यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हैं, तो अब यूनिवर्स को खुद एक्शन लेना पड़ता है, प्रकृति को खुद जो है उस चीज़ के अंदर इंटरफेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका ध्यान 3D की चीज़ों पर होता है, इसलिए आपको फिर जो है एक सोल शॉक दिया जाता है, ओके, क्योंकि आप नहीं उस इशारे को, राजी खुशी में सब चल रहा है तो आप उस इशारे को नहीं समझ पा रहे, आप उस तरफ नहीं मुड़ पा रहे, तो आपको फिर अब शॉक के जरिए उस तरफ मोड़ा जाता है, झटका देके, ठीक है। तो आपको उस तरफ फिर इस तरीके से प्रकृति जो है मोड़ती है, यूनिवर्स खुद उस काम में उतरते हैं, यानी कि खुद उस काम को अपने हाथ में लेते हैं और आपको सोल शॉक देते हैं, जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा अटैच हो, जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा अटैच हैं, ओके। मान लीजिए आप अपने मनी की तरफ हैं काफ़ी ज़्यादा, बिजनेस की तरफ हैं आप अपने ज़्यादा, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा कुछ। अगर आपको हर वक्त मौत का भय सताता है, या आपको अपनी जान, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं इन चीज़ों को लेके, बड़ा डरते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, तो उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस दिया जाता है, बिल्कुल उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस दिया जाता है, जहाँ पे वो बिल्कुल मौत को छू के आते हैं, चाहे एक्सीडेंट के जरिए चाहे किसी और जरिए से। कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में एक ही सपना होता है कि उनको ट्रू लव मिल जाता, वो बार बार प्यार में धोखा खाते हैं, ट्रू लव मिल जाता उनको, उनको उनका ट्विन फ्लेम दिखा के उससे पूरी तरह से जब वो अटैचमेंट में चले जाते हैं, उस टाइम पे उसको स्नैच कर लिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा वापस। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ से आपकी अटैचमेंट सबसे ज़्यादा होगी ना, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे से आपकी अटैचमेंट सबसे ज़्यादा है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा आप अपने बच्चे से ज़्यादा अटैच हो, तो आपके बच्चे को एक्सीडेंट के थ्रू, समटाइम्स ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन लोगों की लाइफ में ये होता है जब हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, तो उनको सोल शॉक इस टाइप से दिया जाता है कि उनको बिल्कुल उस एक्सपीरियंस के पास ले जाया जाता है कि आपने अपनी ये चीज़ खो दी, आपने अपनी ये चीज़ खो दी,
जहाँ पे बंदे की आत्मा जो है वो अंदर तक हिल के रह जाए, बंदा झकझोर के रह जाए अंदर तक, मतलब उसकी आत्मा को हिला के रख दे जो चीज़, ऐसा जो अटैचमेंट उसका है उसको उससे छीन, मतलब उसको उससे बिल्कुल जाने वाली फीलिंग दी जाती है। ठीक है, इंसान टूट जाता है उस स्तर पे आके। तो उसी चीज़ के द्वारा, जैसे आपके ट्विन फ्लेम के द्वारा आपको सबसे बड़ा झटका दिलवाया जाएगा, ओके, आपको बिल्कुल नियर डेथ एक्सपीरियंस करवाया जाता है। तो जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा अटैचमेंट आपकी है उसी के, उसी को ज़रिया बनाया जाता है और उसी के थ्रू आपको सबसे बड़ा झटका दिया जाता है, ओके। तो जो इंसान है वो अंदर तक पूरी तरह से हिल जाता है, यानी कि ये जो शॉक होता है ये उसको अंदर तक झिंझोड़ के रख देता है पूरी तरह से। इंसान तड़पता है, रोता है, ओके, बार बार उस चीज़ की तरफ जाता है, वो चीज़ उसको फिर भी नहीं मिल रही है, बार बार वो उस चीज़ की तरफ टर्न हो रहा है, ओके। लेकिन यहीं से जो है उसकी लाइफ में टर्न आता है, वो जो टर्न जो लाना चाहते हैं यूनिवर्स, जो मोड़ लाना चाहते हैं उसकी ज़िंदगी में, वो यहीं से, वो प्रीशियस मोड़ यहीं से आता है, ओके। तो इंसान लास्ट में क्या करेगा जब वो हर तरफ से टूट चुका है, उसको नहीं, उसको अपना वो रहा है कि ठीक है, उसके लाइफ में कुछ मतलब खोने के लिए नहीं बच गया, उस स्टेज पे जब इंसान पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्स की तरफ, भगवान की तरफ अपना सरेंडर कर देता है, ऑटोमेटिकली वो जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि शांति उसे और कहीं मिल नहीं रही होती, उसे वो शांति की तलाश है और वो शांति जो है उसको वहीं जाके मिलती है जब वो यूनिवर्स की शरण में चल जाता है। तब इंसान हारता है, भगवान और प्रकृति की शरण में जाता है, प्रकृति से खुद को अटैच करता है, क्यों, क्योंकि उसको वो आंतरिक सुकून मिलता है। प्रकृति के भीतर जाके ही इंसान अपने अंदर जाता है, प्रकृति के भीतर जाएगा इंसान, अपने अंदर जाएगा तभी तो उसकी सोल ग्रोथ कर पाएगी। बाहरी बाहरी दुनिया में रह के, बाहरी चीज़ों से डील करके, इस शोर शराबे में ही पड़ा रह के, इससे उससे लड़ झगड़ के कैसे वो अपनी सोल की ग्रोथ कर पाएगा। उससे उस शांति में पहुंचाना ही यूनिवर्स का लक्ष्य है, उसको अपने अंदर पहुंचाना, उसको अपनी इंटरनल जर्नी पे लेके आना, वही बाहरी जो जर्नी है उससे हटा के अपनी इंटरनल जर्नी पे लेके आना, यही तो यूनिवर्स का मकसद है। तो इसी तरह से वो जो सोल के ग्रोथ का जो अवसर है, जो वो बार बार इंसान डिनाई कर रहा था, वो अब उसको मिलता है इस जरिए से, जहाँ पे वो उस कगार पे आ जाता है जहाँ उसके पास और कोई चारा नहीं बचता कि वो यूनिवर्स को बस अब सरेंडर कर दे। ठीक है, जो अनजाने में वो नहीं कर पा रहा था वो यूनिवर्स उससे सोल शॉक के जरिए करवाते हैं, यही होता है सोल शॉक। ओके दोस्तों, वीडियोस देखने के लिए थैंक यू, प्लीज़ कमेंट भी करा करिए और लाइक भी करा करिए। आजकल काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल मतलब कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो क्या है कि वो मोटिवेशन भी बंदे को नहीं रह पाता है। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल ही कमेंट्स भी बिल्कुल कम आ रहे हैं, लाइक्स भी बिल्कुल कम आ रहे हैं। आप लोग आई डोंट नो व्हाई, वीडियोस, जब मैंने वीडियोस का दिशा बदला, जहाँ पे कि हम कुछ नॉलेजेबल बात करें वहाँ पे आके व्यूज़ कम हो जाते हैं। जब आप चैनल लिंक्स वगैरह डाल दो, ठीक है, मैसेजेस वगैरह डाल दो, तो व्यूज़ इतने ज़्यादा आते हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ मुड़िए, बिकॉज अल्टीमेट जो है वो तो अल्टीमेट टारगेट तो आपका नॉलेज है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू एंड बाय।